नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं अङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवः ओं श्री श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। अखिल विश्वब्रह्माण्डर नियामक ए सृष्टिर पालनकर्ता स्वयं ओंकारी परं ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्रीमन्नारायण विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर पदार बिंदरे हृदयर कोटिकोटी बार प्रणिपात। आमे जानिचे श्रीमन्नारायण विष्णुंकर जेतोटी व्रत रही जेतोटी पूजा रही तन्मध्यरु एकादशी व्रत हेउछि सर्वश्रेष्ठ। कारण यही एकादशी व्रत हेउछि श्रीहरिंकर अतीव प्रिय। जेउ माने भक्ति भावर सहित श्रद्धार आंतरिकतार सहित यही व्रत को पालन करिथांति से माने श्री विष्णुपद लाभ करिथांति। श्रीमन्नारायण विष्णुंकर अशेष कृपा बळरे तांको जीवन रे किछि अभाव रहे नाही एवं परलोक रे मध्य वैकुंठ लोक प्राप्त होइथांति विष्णुपद प्राप्त होइथांति। तेबे वर्षकरे आमे जानिछे बारटी पूर्णिमा बारटी अमावास्या बारटी संक्रांति एवं कृष्ण एवं शुक्लपक्ष भेदरे चबिशटी एकादशी रहिछि। आमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारा अनुजाई हिंदू पंचांग अनुजाई एही चबिशटी एकादशी को भिन्न भिन्न नाम दिया जाइछि। केतोटी एकादशी तार नामकरण करा जाइछि एकादशीर गुरुत्व दृष्टिरु एवं आउ केतोटी मासिक अनुसारे मासर नाम अनुसारे मध्य ताको नामकरण करा जाइछि। तेबे एही भिडियोटी रे जानिबा आसंतु इंदिरा एकादशीर महात्म्य जहाँ आगत प्राय। एकादशीर अन्य नाम हेउछि हरिवास अर्थात जेउ माने एकादशी व्रत को पालन करिथांति सेवाने वैकुंठपुर बास करिथांति प्रभुंकर अतीव कृपार अधिकारी होइथांति। पाई कुहा जाइछि जावज्जीवनं कृत्वा एकादश्या न संशय अर्थात मनुष्य निजर जीवन काल रे बंचिथिबा पर्यंत मध्य एकादशी व्रत को निष्ठार सहित पालन करा जिबा आवश्यक। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा पवित्र इंदिरा एकादशी संपर्क रे। एकदा धर्मराज युधिष्ठिर पुन्नावतार प्रभु श्रीकृष्ण जे तांकर सखा तांकु पचारिछंति हे मधुसूदन हे मधु कैटव विनाशन आपण कृपापूर्वक दयापूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत संपर्क रे मते कहंतु जेउ व्रत को आचरण कले जेउ व्रत को पालन कले मनुष्यर समस्त पाप ताप विनिष्ट हुए एवं मनुष्य मोक्ष लाभ करे। सेतेबेले पुन्नावतार प्रभु श्रीकृष्ण तांकु एही पवित्र इंदिरा एकादशीर महात्म्य संपर्क रे बुझाइ कहिछंति हे धर्मराज युधिष्ठिर एकदा सत्ययुगरे इंद्रसेन नामक जणे राजा थिले एवं से अत्यंत धर्मपरायण थिले श्रीहरि विष्णुंकर परम भक्त थिले एवं सकाळ ठारु आरंभ करी रात्र पर्यंत केवल गोविंद नाम को ही जप करुथिले सेथिरे आनंद पाउथिले निजे परितृप्ति हेबा सहित प्रभु श्रीहरिंकर नाम को उच्चारण करी तांकरी चिंतन रे रही राजकार्य को समापन करुथिले। सेथिपाई श्रीहरिंकर कृपारु तांकर राज्य रे किछि भी अभाव नथिला धन जन गोप लक्ष्मी सबुकिछि से प्राप्त होइथिले एवं खूब आनंद रे संतोषपूर्वक जीवन अतिवाहित करुथिले। एकदा नारद मुनि जेतेबेले राजा इंद्रसेन जी हेउछंती महिष्मतीपुरर राजा सेही राज्य को प्रवेश करिछंती तांकर राजसभा रे पहुंची तांकु दर्शन देइछंती तेबेले देवर्षि नारदंकु स्वागत सत्कार अभ्यर्थना करी राजा इंद्रसेन तांकु आसन रे बसाई तांकर पूजा करिछंती। देवर्षि नारद तांकर कुशल जिज्ञासा करिवारु इंद्रसेन कहिछंती प्रभु श्रीमन्नारायण विष्णुंक कृपारु मो राज्य रे समस्त प्रकार सुविधा भरी रहिछि एवं श्रीमन्नारायण विष्णुंकर नाम धरि हि मो जीवन अतिवाहित होइछि। सेतेबेले देवश्री नारद संतुष्ट पूर्वक तांकु आशीर्वाद प्रदान करिछंती मात्र कहिछंती हे इंद्रसेन मोर स्वर्गत पितांकर पुण्य फलर अवधि सरी जाइथिबारु जमपुर रे से जंत्रणा लाभ करुछंती तुम्हें जदि निष्ठापूर्वक श्रीमन्नारायण विष्णुंकर पवित्र इंदिरा एकादशी व्रत को पालन कर तेबे तुम पिता मोक्ष पाइबे
श्री विष्णुपद लाभ करिबे एवं स्वर्ग को यात्रा करिबे। सेतेबेले राजा इंद्रद्युम्न तांकु व्रतर विधि कथा पचारि बुझिछंती। तदनुजाई इंदिरा एकादशी व्रत को निष्ठापूर्वक पालन करिबारु सेही व्रतर पुण्यफल प्रभावरे तांकर स्वर्गत पिता स्वर्ग को यात्रा करिछंती। तांकर समस्त पाप विनिष्ट होईछि एवं निजे मध्य राजा इंद्रसेन श्रीहरिंग कृपारु निष्कंटक राज्य भोग करिछंती। सारा जीवन व्यापी श्रीहरिंकर नाम कीर्तन गाई तांकर चिंतन रही अंतकालरे श्री विष्णुपद लाभ करिछंती। एही कथा गरुड़ पुराण रे वर्णना करा जायछि। तेणु पवित्र इंदिरा एकादशी व्रत को जो माने विधिपूर्वक आग्रह सहित भक्तिभाव सहित निष्ठार सहित पालन करती से मानकर समस्त पाप ताप दुख शोक कष्ट विनिष्ट होवा सहित तांकर पितृपुरुष मानकर उद्धार होइथाय। सेथिपाही एही इंदिरा एकादशी व्रतर स्वतंत्रता रही। पवित्र आश्विन मास कृष्णपक्ष एकादशी तिथि हेउछि इंदिरा एकादशी तिथि। राजा इंद्रसेन नाम अनुसार यही एकादशी व्रतर नाम करा जायछि इंदिरा एकादशी। कारण राजा इंद्रसेन ही प्रथमे यही इंदिरा एकादशी व्रत को पालन करिबारु तांकर पिता श्रीहरिंक कृपारु यही व्रतर प्रभावरे निजे मुक्ति लाभ करी स्वर्ग को यात्रा करिथिले। तेणु पितृपुरुषंकु उद्धार करिबा निमित्त पितृपुरुषंकर समस्त कर्म अर्जित पाप ताप विनिष्ट करिबा निमित्त तांकु मुक्ति प्रदान करिबा निमित्त मनुष्य निज जीवन कालरे निजर सुख सुविधा एवं निजर पुण्यफल लाभ करिबा निमित्त मध्य एही इंदिरा एकादशी व्रत को पालन करिथांती। जेउ व्रतर प्रभावरे समस्त प्रकार पाप विनिष्ट हुए समस्त प्रकार कष्ट विनिष्ट हुए एवं श्रीमनारायण विष्णुंकर अशेष कृपा फलर अधिकारी मनुष्य होइताए। चलित वर्ष आश्विन मास कृष्णपक्ष एकादशी तिथि पड़ुता इंदिरा एकादशी तिथि पूजा विधि संपर्क में आसतु जाणी। साधारण एकादशी व्रत परी अन्य एकादश व्रत परी एही व्रत को मध्य तीन दिन व्यापी पालन करा जाए। पितृपक्ष पड़ुता हेतु एही व्रतर अनेक स्वतंत्रता रही। आश्विन मास कृष्णपक्ष दशमी तिथि व्रत को पालन आरंभ कराए। आश्विन मास कृष्णपक्ष दशमी अर्थात एकादशी व्रत पालन पूर्व दिन प्रातः काल स्नान शौचादि कर्म सारी श्री विष्णु उद्देश्य स्मरण कर एक बार भोजन कराए एवं भूमि रे शयन करा जाए। एवं एकादशी व्रत दिन अर्थात इंदिरा एकादशी दिन प्रातः काल रे स्नान शौचादि नित्यकर्म सारिबा परे एकादशी व्रत निमित्त संकल्प करा जाए। श्रीमनारायण विष्णु को उद्देश्य रे संकल्पेण कर्म सिद्धि ही व्रत सिद्धि बोली कहि प्रभु को प्रार्थना करा जाए। हे श्रीहरि नारायण विष्णु आपण कृपा पूर्वक मते शक्ति प्रदान करंतु मु निष्ठार सहित विधि विधान पूर्वक उपवास रही आपणकर स्मरण रे चिंतन रे रही एही पवित्र इंदिरा एकादशी व्रत को पालन करिबारे सक्षम हो पारिबी। एही परि भावरे मन मध्यरे संकल्प करी पूजा गृह को जाई श्रीमनारायण विष्णुंकर यथाविधि पूजा करी एही पवित्र इंदिरा एकादशी व्रत पालन रो शुभारंभ करा जाए। पूजा घरे थिबा श्रीमनारायण विष्णुंकर शालग्राम को प्रथमे भक्तिभाव सहित पूजा करा जाए। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सहित विभिन्न प्रकार सुभाषित पुष्प तुलसी पत्र को दे शालग्राम को यथाविधि पूजा करिबा परे शालग्राम सम्मुखरे निजर स्वर्गत पितृपुरुष उद्देश्य श्राद्ध दान करा जाए एवं ब्राह्मण भोजन करा जाए। ब्राह्मण भोजन कराइबा परे सही श्राद्ध पिंड अर्थात सही अन्नपिंड को नहीं गोमाता उद्देश्य बाहर प्रदान करा जाए। एवं तापरे श्रीमनारायण विष्णु उद्देश्य भजन कीर्तन जनाण प्रार्थना पूजा यथाविधि संभव दिन सारा करिबा परे तांकर विभिन्न नाम को उच्चारण करी स्मरण करी तांकर भक्ति भावरे लीन हेबाकु पड़िथाए। एही इंदिरा एकादशी दिन विष्णु सहस्र नाम ठारु आरंभ करी श्रीमनारायण विष्णुंकर जते प्रकार श्लोक प्रार्थना रहिछि सक्षम अनुजाई
मंत्र उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव सहित निजे शुद्धभूत रही प्रभुंकर पाद पंकजरे निजको समर्पण करिबाकु पड़े। इंदिरा एकादशी दिन रात्र सारा उजागर रही श्री विष्णुंक भक्ति रे तल्लीन होई एकादशी व्रत को पालन करा जिबा परे ता पर दिन अर्थात द्वादशी दिन एही व्रतर पारण बा परिसमाप्ति करा जाए। चलित वर्ष उदया तिथि पड़ुवा हेतु 21 सेप्टेम्बर 2022 पवित्र इंदिरा एकादशी व्रत को पालन करा निमित्त स्थिरीकृत करा बुधवार पड़ुछि एवं तत्पूर्व दिन अर्थात आश्विन कृष्णपक्ष दशमी दिन यही एकादशी व्रत पालन शुभारंभ करा जाए। एक बार भोजन करा जाए एवं भूमि रे शयन करा जाए। ता सहित यही एकादशी व्रतर तिथि आरंभ हो जाए 20 सेप्टेम्बर मंगलवार रात्र 9:26 21 सेप्टेम्बर रात्र 11:34 पर्यंत तेणु यही अवधि मध्य एकादशी व्रत को पालन करा जाए एवं ता पर दिन अर्थात 22 सेप्टेम्बर 2022 सका 8:30 मध्य व्रतर परिसमाप्ति बा पारण करा जाए। एकादशी व्रत को उद्यापित करा जाए निजे स्नान करी श्री विष्णु का उद्देश्य स्मरण करी चिता बा तिलक को परिधान करी एवं तुलसी पत्र सेवन करी एही व्रतर पारण करा जिबा परे तापरे विभिन्न प्रकार फल बा अन्यान्य खाद्य को ग्रहण करा जाए। एकादशी व्रत पालन अवसर रे साधारणतः अनेक व्यक्ति निर्जल उपवास करती केही केही फलाहार पणा को ग्रहण करी एही व्रत को पालन करती एवं निज सुविधा अनुजाई भक्तिभाव सहित जहाँ भी ग्रहण करी सात्विक भोजन को ग्रहण करी श्रीमनारायण विष्णुंकर उपासना रे रही थांदी। पवित्र इंदिरा एकादशी व्रत निष्ठापूर्वक पालन कले निज सहित निजर पूर्वजगण पितृपुरुषंकर समस्त पाप ताप विनिष्ट होई श्रीहरिंकर अशेष कृपा लाभ होइतिबारु एही इंदिरा एकादशी व्रतर स्वतंत्रता रहिछि। ओम श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलासन, नमः कमलपत्राख्य त्राहिमांसी पुरुषोत्तम।